जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप सभी को पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में देश में जो लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, वापस दोबारा से फिर से बड़ा लॉकडाउन होने वाला है देश में। कई जगह वीकेंड लॉकडाउन हो गए, आप सभी को पता है, बहुत सारे स्टेट में लगभग काफ़ी स्टेट में वीकेंड लॉकडाउन हो गए, यानी सैटरडे और संडे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। और बाकी जितने भी स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली या मध्य प्रदेश, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिनमें कोरोना पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान हुआ या हरियाणा, सभी जगह कोरोना पीड़ितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। टीकाकरण के बावजूद भी कई ऐसे स्टेट है जहां पर अब टीकाकरण हो गया है, उनके बावजूद भी ऐसे वापस से केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हो गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, मतलब हर डे 17,000, 20,000, 30,000 इस लेवल पर आंकड़े आने लगे कोरोना के फिर से। और आप सभी को पता है देश में वापस फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है, इसीलिए कई स्टेट में जैसे नाइट लॉकडाउन तो है ही और दिन के लॉकडाउन भी वापस से लग रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन भी लग रहे हैं। इसको देखते हुए आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की तरफ से भी आपने ये सुना होगा कि एग्ज़ाम आपका कहीं कैंसिल नहीं हो जाए, नोटिफिकेशन कहीं डिले नहीं हो जाए, इसके बारे में आपके भी ख्याल आया होगा। और भी कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो इस चीज़ को मतलब टारगेट करके बच्चों को गलत अफवाहें दे रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं, तो दोस्तों उस पर पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए इस वीडियो को। एक चीज़ मैं और बता दूँ दोस्तों आप सभी के लिए, एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों परीक्षा ऐप है जिसपे एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छी शानदार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों जाके परीक्षा ऐप में ऊपर साइड में जाके वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एसएससी जीडी, नीचे स्क्रॉल करना है, दूसरे तीसरे नंबर पर आपको एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी दोस्तों, और जाके वो आप परचेज़ कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, साथ में 22 और 23 मार्च को परीक्षा ऐप पर फ्री में मॉक टेस्ट रखा गया है, यानी ऑनलाइन आपको बिल्कुल फ्री सुविधा है, बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट रखा गया है, वो आप देके अपने आप को जान सकते हो। पूरे दिन लाइव रहेगा, उस दिन फ्री मेगा मॉक टेस्ट है, तो आप जाके दे सकते हो परीक्षा एक पर। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हो तो वहाँ पर आप कमांडो 50 जैसे मेरा नंबर लगा हुआ, आपको 50% डिस्काउंट भी हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर ये परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पर एसएससी जीडी की जो भी टेस्ट सीरीज आप परचेज़ करोगे उस पर अगर मेरा कमांडो 50 टैग लगाओगे तो आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। और 22 और 23 मार्च को फ्री मेगा ऑनलाइन टेस्ट है, तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की वो ज़रूर जाके वो दे ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अब एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि नोटिफिकेशन से लेकर एग्ज़ाम कैंसिल तक की वीडियो अब आपको आने लगी है। एक मैं आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जब किसी ने एक नोटिस दिखाया था एसएससी का, फिर बाद में हाथ जोड़ के डिफेंस 93 वाले ने माफ़ी भी मांगी थी कि ये नोटिस गलत है। उस वीडियो जब मैंने उस दिन बनाया था उस दिन आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा आज एसएससी की वैकेंसी शुरू होने वाली है और जब तक ये वैकेंसी ख़त्म होगी यानी मेडिकल के बाद में फाइनल मेट होगी तब तक आपको ऐसे हज़ारों नोटिस देखने को मिलेंगे बिल्कुल फेक, जिनमें कोई सत्यता नहीं होगी, और वैसा ही आपको आगे चीज़ें देखने को। अब जैसे बहुत सारे यूट्यूबरों ने ये वीडियो बना दिया कि एसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल होगा या भर्ती कैंसिल होगी, वैसे मेरे पास में कमेंट आने शुरू हो जाते हैं नीचे वीडियो के नीचे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, पहली बात तो नोटिफिकेशन मई में आएगी, अगर लॉकडाउन लगता भी अब तो आप सबको सभी को पता है कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, चाहे वीकेंड पे लगे या कैसे भी लगे, इस प्रकार का लॉकडाउन लगेगा, पूरा लॉकडाउन लगेगा। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है अगस्त महीने में, यानी अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी 4 महीने। तो दोस्तों 4 महीने लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी रहेगी, अब वो पहले वाला लॉकडाउन नहीं रहा, अब इसकी वैक्सीन भी आ गई, इसका इलाज भी है और पूरा देश तैयार भी है इससे लड़ने के लिए और सभी को इसके बारे में अच्छे से जानकारी भी है, ठीक है। तो इस प्रकार का लॉकडाउन नहीं होगा कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम ना करवा पाए, अगर एक दिन लेट भी हो जाए वो बात अलग है, ठीक है, लेट भले ही हो जाए 2 दिन 4 दिन, लेकिन एग्ज़ाम भी होगा, वैकेंसी भी होगी, आपको निराशा नहीं होनी है। इन लोगों को देखकर कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो केवल निजी फायदे के लिए ऐसे मतलब इतना ज़मीन पे उतर गए हैं, वो कुछ भी वैकेंसियां बताते हैं 2019 की, 2018 की, 2021 में जोड़ जोड़ के, तो आपको उन पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ये निराश कर देंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ऐसी बहुत सारी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें बोला जाएगा कि पोस्टपोन, एग्ज़ाम पोस्टपोन, कभी ये पोस्टपोन। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होते हैं, कोरोना काल में भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप सभी को पता है, अभी भी दिल्ली पुलिस के ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उस समय भी कोरोना था, ठीक है। अभी भी जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था वो भी कंडक्ट हुआ था, कोरोना काल में ही हुआ है, बच्चों को सब ने बोला था एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया लेकिन नहीं हुआ था एग्ज़ाम पोस्टपोन, और एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा एसएससी जीडी का भी, अगर आप तैयारी करो। नोटिफिकेशन भी आपको मई के महीने में, यानी ज़्यादा दिन तो है नहीं ना, कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी,
भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन आपको तैयारी के लिए बिल्कुल निराश नहीं होना, आपको जोरों शोरों से तैयारी करना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये चीज़ मत सोच लेना कि अभी तो लॉकडाउन, अभी तो एग्जाम होंगे नहीं, पता नहीं कब एग्जाम होंगे, और जब एग्जाम हो जाएंगे कन्फर्म फिर मैं पढ़ाई करूँगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। अगस्त महीने में भी चार महीने में देश में अगर लॉकडाउन भी लगता है तो 10-15 दिन से ऊपर लॉकडाउन वापस फिर से नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। 10 दिन का 5 दिन का 4 दिन का इस प्रकार का लॉकडाउन लगेगा, और उसी हिसाब से एग्जाम शेड्यूल किए जाएंगे, उसी हिसाब से सब सुविधाओं के साथ में एग्जाम आने वाले सारे काम शेड्यूल किए जाएंगे, ठीक है। जब देश में लॉकडाउन भी है, बाकी काम भी चल रहा है ना, रोजगार, वीकेंड लॉकडाउन क्यों किया, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो चलो 5 दिन काम कर ले, बाकी 2 दिन छुट्टी। तो यानी एग्जाम भी इसी प्रकार से कंडक्ट किए जाएंगे, एग्जाम भी होंगे, और रेलवे बंद नहीं हुई है, ना ही फ्लाइटें बंद हुई है, ना ही यातायात के कोई भी साधन बंद हो रहे हैं लॉकडाउन में, ऐसी कोई मतलब चीज़ें बंद नहीं हो रही है, ठीक है। रेलवे भी चल रही है, प्लेन भी चल रही है, यातायात के जो साधन है वो सब चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको निराश नहीं होना, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा लॉकडाउन से, ऐसा आपको 1% भी दिमाग में नहीं लाना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन। आपको ये मान के चलना है कि अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम है बेटा, जब भी नंबर आएगा, नहीं तो नंबर नहीं आएगा। ऐसी अफवाहों पर ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होगा। हम जब भर्ती हुए थे तब भी ऐसी मतलब बहुत अफवाहें चलती थी कि SSCGD का एग्ज़ाम पोस्टपोन, ये पोस्टपोन। अभी आप आए हो ना SSCGD के मैदान में, मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही मैंने पहले भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, जब तक SSCGD 2021 की वैकेंसी 2024 तक कंप्लीट होगी, तब तक आपको हजारों वीडियो, हजारों नोटिफिकेशन दिखाई जाएगी झूठी, जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगी आपको, ना कहीं मिलेगी। ये लोग क्या करते हैं, एक तो झूठी वैकेंसियां दिखाते हैं, एक दिखाते हैं झूठी नोटिफिकेशन है, इनके लिंक कहीं इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं होते। ये अपने मन से वो चीज़ें गठित करते हैं, बना लेते हैं वेबसाइट खुद की बना के, उसमें टाइप कर लेते हैं, फिर आपको वैकेंसियां दिखाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर कहीं पे भी आपको उनका नोटिफिकेशन, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नहीं हो वीडियो के नीचे, तो उस पर विश्वास ना करें। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो आपको 1% भी निराश नहीं होना दोस्तों, आपको बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक SSCGD के लिए अगर आपने बुक परचेज नहीं किया, तो जैसे मैं बता चुका हूँ SSCGD के लिए बहुत ही शानदार बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की, हिंदी की बुक के लिए भी बोल रहा है, हिंदी की भी एक शानदार बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की, अगर आपने परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए दोस्तों, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया वो भी परचेज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आप मान के लिख लीजिए, 101% मैं बोल रहा हूँ एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, ना ही नोटिफिकेशन कैंसिल होगी, आपकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, लॉकडाउन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन अब लग रहा है तो वो इसी प्रकार से लग रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, इससे बड़ा लॉकडाउन अब नहीं लगेगा, उसके लिए आप ज़्यादा चिंतित ना हो। कैसे भी करके इनका समाधान हो जाएगा, भले ही 2 दिन नोटिफिकेशन या 2 दिन फॉरम या 2 दिन एग्जाम लेट हो जाए, लेकिन होगा पक्का। इसीलिए निराश नहीं होना, तैयारी करना तो अच्छे से दिल से करना, और आपको ये मान के करना है, चाहे अगस्त में आए, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में, जब एग्जाम होगा उस दिन मेरा नंबर पक्का होगा बेटा, ये तैयारी करनी है, ठीक है, तभी नंबर पक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, इन पर विश्वास नहीं करना। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास करना है कि चाहे मेरा तो कल एग्जाम ले ले, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि चाहे जून में ले ले, चाहे जुलाई में, चाहे अगस्त में, या अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोई से भी महीने में ले ले, जिस दिन एग्ज़ाम होगा हमारा नाम पक्का होगा। बस ये मान के आपको तैयारी करनी है। अगर ये मान के आप तैयारी करते हो तो गारंटी है मेरी, आपका नंबर भी 101% हो जाएगा दोस्तों। और लिख के ले लीजिए मेरे से, मैं आपको बोल रहा हूँ 101% वैकेंसी कंडक्ट हो जाएगी ये, और एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन नहीं चलेगा। आपको भी पता है अब इसकी वैक्सीन भी आ गई है, अब डॉक्टर भी इसकी जो जांच करते हैं वो भी इनको पकड़ में आ गई, इसकी बीमारी क्या है, तो इलाज भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और सब चीज़ें सेट हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे एक टाइम पे कोरोना कहाँ था, आज कोरोना कहाँ पर आ गया, तो धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन आपको तैयारी में जान डालनी दोस्तों, आपको अगर निकलना है, आपको चाहिए जॉब, आपको बनना है फौजी, तो तैयारी में जान डालना है। और तैयारी ये मान के करनी है कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, भले नोटिफिकेशन वैसे तो मई में आएगी फर्स्ट वीक में, अगर डिले भी हो जाती है सेकेंड वीक में भी आती है, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।